हरिओम श्री राम अंबदने। मैं मंगलावीरा विस्पुते इंदौर मध्य प्रदेश कस्तूर नगर केंद्र से बोल रही हूँ। मैं 2014 से बापूजी से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे को बापूजी का इंदौर में है उपासना केंद्र ये बिल्कुल मालूम नहीं था। मेरे भाई से मैं फ़ोटो लाई, उसके बाद 2018 में मैं बापूजी के उपासना केंद्र में मैंने बोला भाई को कि उपासना तो है ही नहीं हमारे इंदौर में, किसी को पता भी नहीं कि बापूजी है। मेरा भाई बोला तू तलाश करना, बराबर बापूजी का उपासना तेरे को भी मिलेगी। तो मैं छोटी पुस्तिका लेके आई, उसके बाद पुस्तिका पढ़ती रही। फिर मैं बापूजी से प्रार्थना करी कि बापूजी मेरी भी इच्छा है कि मैं भी उपासना केंद्र में जाऊँ, पर इंदौर में तो कहीं उपासना केंद्र ही नहीं है। उसके बाद 2018 में बापूजी का अनुभव संकीर्तन गांधीनगर में हुआ। उसके बाद सर वगैरह सब आए वहाँ, जो इंदौर के रामबाग के थे सर वगैरह, उन्होंने बोला कि आप भी उपासना केंद्र में आया करो। तो हमने किया, हो जरूर आएंगे, पर हमको क्या है दूर पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने बापूजी से मन ही मन प्रार्थना करी कि बापूजी मेरी भी इच्छा होती उपासना करने की, पर क्या करे दूर पड़ता है, काम धंधे वाले हमसे जमता नहीं है। फिर बापूजी ने ऐसी मेरी मन की इच्छा पूर्ण करी कि कस्तूर नगर में बापूजी ने उपासना केंद्र खुलवा दिया। और बापूजी की उपासना करती हूँ, मेरे को 6 महीने से बापूजी की उपासना के पहले 6 महीने से इतनी खांसी आती थी कि खांसी में से मेरे को एक दिन खून निकल आया। मैं इतनी रोई कि ये क्या मेरे को बीमारी लग गई। उसके बाद मैंने मोबाइल खोला, मोबाइल में यूट्यूब पे बापूजी का प्रवचन चल रहा था, तो बापूजी ने प्रवचन में ऐसा बताया कि जो अपने सद्गुरु को जो पूर्ण विश्वास से मानता है, जो अपने भगवान को मानता है, उसको कौन सी भी बीमारी का डर नहीं है। ये मेरा विश्वास है, जो विश्वास से मानेगा सद्गुरु को उसको कौन सी भी बीमारी नहीं होगी। तो मैंने रोना बंद किया और बापूजी की उदी जैसे ही पानी में डाल के पी, तो आज तक 6 महीने से जो खांसी चल रही थी वो खांसी बिल्कुल मेरी बापू ने बंद करवा दी। हरिओम श्री राम अंबदने।